अखिल भारतीय परशुराम वाहिनी द्वारा प्रेस क्लब के सभागार में भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी ने भगवान परशुराम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर पूजा अर्चना किया, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी ने बताया कि परशुराम जयंती धूमधाम से पूरे देश में मनाई जा रही है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम का पैदाइश हुआ था। भगवान परशुराम बहुत बड़े पिता भक्त थे। पिता के कहने पर अपने माता का सर कलम कर दिया था। भगवान परशुराम ने पूरे धरती पर 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था। उनकी जयंती को हम लोग धूमधाम से मना रहे हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण ही नहीं है जो अत्याचार को सहे और निश्चल रह जाए, शांत रह जाए। क्यों? अन्यायेन स्वभावेन स्वभयेन विस्तृतम्। जिस व्यक्ति का स्वभाव अन्याययुक्त हो गया वो स्वयं अन्यायी है। क्यों? क्योंकि वो अन्याय को सह रहा है। ये अन्याय करना ही अन्याय को करना नहीं होता है, अन्याय को सहना भी उससे बड़ा अन्याय होता है। तो पुष्यमित्र सुंग ने कहा कि उस प्रत्येक मस्तक को, उस प्रत्येक गर्दन को काट दो जिस पर तिलक न हो। तिलक की महिमा उस समय से चलती आ रही है जब पौराणिक कालों में भगवान शिव के तिलक पे अभिमंदन ने स्पर्श किया और भगवान शिव अपने तेज से उसको जला के राख कर दिया। ये तिलक पर्याय है हमारे शौर्य का, ये तिलक पर्याय है हमारे चैतन्य का, ये तिलक पर्याय है हमारे स्वाभिमान का। सभी विप्र बंधुओं को मैं प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि विप्र ब्राह्मण समुदाय एक समुदाय नहीं है, विचार है। और विचारधारा क्यों है मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि आज तक में सबसे बड़ा दंभी और अहंकारी जो समाज जिसको मानता है वो थे लंकाधिपति रावण को मानता है। लेकिन उनकी ब्राह्मणत्व की विचारधारा क्या थी ये सुनिए कि जब सनातन संस्कृति डूब रही थी, जब वेदों की ऋचाएं डूब रही थी, तब भगवान शिव ने कहा कि ये सनातन संस्कृति तो खत्म हो जाएगी, ये बचेगा कैसे। तब शिव ने कहा कि बस एक ही ऐसा व्यक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे अच्छा संगीत गायन करता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश बार एसोसिएशन के चेयरमैन मधुसूदन त्रिपाठी ने कहा, राम जयंती है और आप सभी लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन ही परशुराम जी जो विष्णु भगवान के छठे अवतार थे उनका पैदाइश हुआ था। और चूंकि विष्णु भगवान का अंश थे इसलिए उनको भगवान के रूप में हम लोग मानते थे। परशुराम जी बहुत बड़े पितृभक्त थे, पिता के भक्त थे, और पिता के कहने पर उन्होंने अपने माता जी का सर कलम कर दिया था। और जब राजा ने जब उनकी गाय जो थी उसको अपहरण कर लिया था तो बाद में उनकी हत्या उन्होंने किया और उसकी हत्या में उनके पिताजी को लोग मार डाले थे। 21 घाव जो था उनके शरीर पर था और इसलिए परशुराम जी ने ये प्रण ठाना कि यहाँ क्षत्रियों को मैं 21 बार धरती से नेस्तनाबूत करूँ। तो परशुराम जी आधा ब्राह्मण थे और आधा क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का जो गुण था वो भी विद्यमान था, वो श्रापित था, और ब्राह्मण का जो गुण था वो भी आप लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ परशुराम जी की जयंती भगवान के रूप में, विष्णु भगवान के छठे अवतार के रूप में, उनको भगवान के रूप में मना रहे हैं और हमारे वहाँ सभी लोग आए हुए हैं।